morning. Yes, it's a good morning, and I'm taking the lecture in the morning after very, very huge number of days. So today we are going to take 10th standard lecture, lecture number 3 for chapter number 4 of India Arts, History of India Arts. It is a Maharashtra state board portion, and we are going to cover two more topics today. टू ह्यूज टॉपिक्स टुडे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स है, इसलिए मैंने सिर्फ दो टॉपिक लेने का फैसला किया है. ठीक है, तीन पेज का है ये दो टॉपिक, सो इट विल टेक एटलीस्ट 15 to 20 minutes कंप्लीट दिस लेक्चर. इंडियन आइकोनोलॉजी एंड आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. ओके, वी आर गोइंग टू कवर दीज टू टॉपिक्स. क्वाइट एन ईजी टॉपिक, कुछ नया नहीं. कुतुब मीनार, फिर बीजापुर के डोम के बारे में है. Several things which we already know. Okay, so let us get started. This is Basit sir welcoming you to your own classes, The Tutors. Okay, so Indian iconology. The Gandhara School of Arts came into being in the 2nd century BCE in Afghanistan and neighboring regions. It had Greek and Persian influence. अफगानिस्तान में सेकेंड बी सी ई को गंधारा आर्ट्स, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स ये फॉर्म हुई, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स फॉर्म होना चालू हुए अफगानिस्तान और उसके नेबरिंग रीजन्स में. ग्रीक और पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से लोग इन्फ्लुएंस थे. ठीक है, द फर्स्ट एंड थर्ड सेंचुरी सी ई, दैट इज कुशाना पीरियड ऑफ इंडिया, जो है ये टाइम पे कुशाना इसका रूल चल रहा था. सो द राइज ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये टाइम पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स बनी इंडिया में. द मथुरा स्कूल लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आइकोनोलॉजी. ओके, इंडियन आइकोनोलॉजी का जो फाउंडेशन था, इंडियन आइकोनोलॉजी सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, वो थे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स. आइकोनोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट मेकिंग ऑफ इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. अभी आइकोनोलॉजी मतलब क्या होता है कि हम लोग गॉड्स और गॉडेसेस की फेसेस, मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, उसको आइकोनोलॉजी बोलते हैं. ये सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स इंडिया में. ठीक है, इन बिटवीन सेंचुरी फर्स्ट टू थर्ड सी ई. The Kushana kings made use of images of various deities on their coins. उन लोग ने अपने coins पर, first to third CE में Kushana period ने अपने coins पर बहुत सारे deities का बोलते हैं ना मूर्तियाँ बनाई, उन लोग ने उनके faces बनाए. During the period of Gupta Empire, the iconographic rules were formulated and standards for sculptural art were set. The art of making bronze images was developed under the patronage of Chola kings during 9th to 13th century. Bronze idols of gods and goddesses like Shiva, Shiv Parvati, Nataraj, Lakshmi, Vishnu, etc. were made in this period. Shiv Parvati, Nataraj, different types of gods and goddesses, उनकी मूर्तियाँ और उनके bronze की मूर्तियाँ coins पर बनाना और different types of sculptures बनाना उनके, वो Chola king, Chola rulers जो थे between 9th टू 13th सेंचुरी उन लोग का रूल चल रहा था, और उनके टाइम पे ब्रॉन्ज के मूर्तियां बनाई गई थी. आइकोनोग्राफी जो थी वो ब्रॉन्ज की हो गई, पहले वो पत्थरों की होती थी, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज की हो गई. ओके, सो इट इज क्वाइट नॉइजी आउटसाइड, बिकॉज बाहर सिग्नल है और बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं लोग. आई डोंट नो व्हाई, मतलब सिग्नल पे खड़े हैं, रेड सिग्नल है और हॉर्न बजाने से शायद वो ग्रीन हो जाता है, तो मैं भी करूँ, बट मेरे को मालूम नहीं होने वाला है उन लोगों क्यों नहीं समझती ये बात. आई डोंट नो. ओके, जस्ट अ वेरी ह्यूज डिस्टर्बेंस, मतलब कंसंट्रेशन की तो कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है. ठीक है, आर्किटेक्ट. ओके, वी आर डन विद वन थिंग. इंडियन आइकोनोलॉजी बहुत ज्यादा सिंपल पैराग्राफ था कि गॉड्स और गॉडेसेस की मूर्तियां बनाना, पहले वो पत्थरों की होती थी, अब ब्रॉन्ज, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज मेटल्स पे वो बनाने लगे. पहले कुशाना रूलर्स ने स्टार्ट किया था इन दी बिटवीन फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी. मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स उन्होंने बनाया था, उसमें आइकोनोग्राफी उन्होंने चालू की थी, और उसमें
उन्होंने बहुत सारे गॉड्स एंड डीटीज के फोटोज और यू कैन से दैट स्कल्पचर्स बनाए थे ऑन कॉइंस, इम्प्रिंट कराया था उन्होंने, ठीक है। सो ये सारी चीजें कुशाना ने चालू की, उसको कंटिन्यू किया गुप्तास ने, चोलास ने, ठीक है, टिल 13th सेंचुरी। इतना ही इसमें मेंशन किया है, आगे भी हुआ रहेगा बट उन्होंने उसकी हिस्ट्री एक्सप्लेन की नहीं है। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, देयर आर नंबर ऑफ रॉक कट केव्स इन इंडिया। द ट्रेडिशन ऑफ रॉक कट केव्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन द 3rd सेंचुरी BCE। सबसे पहले रॉक कट केव अगर इंडिया में चालू हुआ था बनना तो वो कौन से सेंचुरी में था? 3rd सेंचुरी BC। Technically, the entire composition of a rock cut cave represents a union of architecture and sculptural arts. Its entrances, interiors with its carved columns and images are excellent specimens of sculptural arts. The painting of the walls and ceilings have survived in some of the caves till today. The rock cut caves at Ajanta and Werul in Maharashtra were declared as the World Heritage Site in 1983. Rock cut caves, खाली cave को cut rock से cut करके बना दिया ऐसा नहीं। Caves के अंदर वो लोगों ने बहुत सारे structures बनाए, बहुत सारे designs बनाए, monuments बनाए, painting की उनका entrances बनाया और बहुत beautiful तरीके से उसको decorate किया, जिससे वो एक World Heritage Site बन गई। महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जगहों पर भी वैसे बनाए गए हैं बट महाराष्ट्र का अजंता एंड वेरुल में जो केव्स है, वो जो केव्स है उसको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। ओके, द टेंपल आर्किटेक्चर इन इंडिया बिगिन टू डेवलप अराउंड 4th सेंचुरी CE ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। द टेंपल्स बिल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता पीरियड हैड ओनली द सैंक्टम सेंटरम, दैट इज गर्भगृह एंड वरांडा विथ 4 कॉलम्स। मतलब एक साइड एंट्रेंस था और उसके आजू जो दीवार थी और बीच में एक वरांडा था, वैसा उन लोग ने बनाया था। ये टेम्पल उन लोग बनाया करते थे, टेम्पल के आजू बाजू चारों तरफ वॉल हुआ करती थी, बीच में से वो टेम्पल खुला होता था जैसे घर का वरांडा होता है वैसा, ठीक है। ये किसने चालू किया था? गुप्ता पीरियड के टाइम पे 4th सेंचुरी में चालू होता था। टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया हैड रीच्ड इट्स पीक बाय द 8th सेंचुरी CE। दिस इज इजीली टेस्टिफाइड बाय द मैग्निफिसेंट कंपोजिशन ऑफ द कैलाश टेम्पल ऑफ वेरुल। कैलाश टेम्पल ऑफ वेरुल ये जो है ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऐसे टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा पीक पे लेके जाता है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर्स इन इंडिया इन मेकिंग टेम्पल इज कैलाश टेम्पल। ओके, By the medieval period, various styles of temple architecture had developed in India. ये सब हम ancient की बात करते हैं, but medieval period में भी बहुत सारे temples बनाए गए और उसको बहुत ज़्यादा you know बहुत high level की architecture से बनाया गया था। The style of temple architecture are identified by the style of the tower, that is shikara. उसका जो topmost part होता है उसको शिकारा बोलते हैं। उस शिकारे को देखकर ऐसा identify किया जाता था कि कौन से style का आर्किटेक्चर है वो। द नागरा स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द्रविड़ा स्टाइल ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल्स आर टू प्रिंसिपल स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स। नॉर्थ में नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल बनाया जाता है एंड साउथ में द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल बनाए जाते हैं। नागरा स्टाइल में जो टॉप होता है वो बहुत लंबा होता है और बहुत पीक तक जाता है, वेरियस इन सदर्न पार्ट दे डोंट मेक अ टॉप, दे मेक अ फ्लैट एरिया ऑन द टॉप ऑफ टेम्पल और उसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन करते हैं उन्होंने, ठीक है। अ ब्लेंड ऑफ दीज टू स्टाइल्स इज नोन एज विसारा। ओके, अब नॉर्थ के स्टाइल को कुछ और बोलते हैं, साउथ के स्टाइल को कुछ और बोलते हैं। नॉर्थ और साउथ जब दोनों मिक्स होकर हम लोग टेम्पल बनाते हैं उसको विसारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसारा। ओके, द भूमिजा स्टाइल सीन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैज अ क्लोज रिजेम्बलेंस ऑफ द नागरा स्टाइल फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। भूमिजा स्टाइल टेम्पल्स इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो नॉर्दर्न इंडिया के जो टेम्पल्स का बिल्डिंग स्टाइल है वो डिपिक करते हैं, ठीक है। इन द भूमिजा स्टाइल सीरीज ऑफ मिनिएचर टावर्स आर अरेंज्ड व्हिच बिकम स्मॉलर टुवर्ड्स द टॉप। मतलब एक माउंटेन की तरह बनाते हैं मिनिएचर, ऐसा पहले बहुत वाइड स्प्रेड एरिया रहता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मंदिर के टॉप मोस्ट पार्ट पे हम लोग जाते हैं तो वो एरिया छोटा छोटा होता जाता है और फिर एक पीक वाला एरिया आता है टॉप मोस्ट पार्ट पे,
इसको बोल ये मंदिरों को बोलते हैं नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स या नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। Hence, the tower appears to be continuously rising from the base of the temple to the top. मतलब मंदिर के नीचे से ऊपर तक टावर बढ़ते ही जाता है, बस उसकी विड्थ छोड़ती होती जाती है। In the medieval period, under the patronage of Muslim sultanates, many style of architecture, such as Persian, Central Asian, Arabic, and pre-Islamic Native Indian styles, were blended together, creating the Islamic architecture of India. अभी इंडिया में इस्लामिक आर्किटेक्चर भी था, अभी भी है, ठीक है। उसमें बहुत सारे ब्लेंड है, जैसे कि पर्शियन, सेंट्रल एशियन, अरेबिक, प्री इस्लामिक पीरियड के जो रूलर्स थे वो सब लोग, यू कैन से दैट उन लोग ने इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए, ओके। वो सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। मेनी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स आर क्रिएटेड, द कुतुब मीनार एट मेहरौली नियर दिल्ली, ताजमहल एट आगरा, गोल गुंबद एट बीजापुर इन कर्नाटका आर दी वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक 12th सेंचुरी। कुतुब मीनार बनाना चालू हुआ था 12th सेंचुरी में अंडर द रीन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड वॉज कम्प्लीटेड इन द रीन ऑफ अल्तमश इन द 13th सेंचुरी। मतलब लगभग 100 साल लग गए उस कुतुब मीनार को बनाने में। कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट मीनारेट इन द वर्ल्ड, ओके। इट इज 73 मीटर्स, दैट इज 240 फीट इन हाइट। द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कुतुब मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट किया जाता है। द मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ड टेम्पल रियली सॉरी शाहजहां बिल्ड ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल। The Taj Mahal is looked upon as the paramount example of the beauty of Islamic architecture in India. India में Islamic architecture की beauty को अगर तुमको देखना है तो वो Taj Mahal एक सबसे best example है उसके लिए। This is the world famous building which has been declared as a World Heritage Site by UNESCO. The Gol Gumbad at Bijapur in Karnataka was built in 17th century CE. This grand building houses the burials of Muhammad Adil Shah of Bijapur. Gol Gumbad जो है यहाँ पर वहाँ के जो ruler थे Adil Shah Bijapur के जो ruler थे Muhammad Adil Shah उनको उनका burial है, यानी कि उनकी कब्र है वहाँ पर। Inside the dome after which the building is named there is a round gallery. Gol Gumbad बोला गया ना इसलिए उधर एक round gallery है। Even a slight whisper of a person standing in this gallery can be heard everywhere. And if somebody claps from here, it echoes can be heard many times. मतलब वो एक ecological point की तरह उसको बनाया गया है। इतना ज़्यादा मतलब पहले के लोगों में architectural skills थे कि वो लोग जो भी बनाते थे उसको एक थोड़ा सा हटके बनाने की कोशिश करते थे। अभी आदिल शाह ने जब बोला रहेगा कि मुझे यहाँ पर दफनाओगे या बरी करोगे, सो ऐसी बिल्डिंग बनाना कि यहाँ पर सारी आवाज़ें गूंजे, ठीक है, एको होनी चाहिए। सो ऑब्वियसली एवरी रूलर ट्राइड टू मेक समथिंग डिफरेंट। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड अ न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल अरोज इन इंडिया, इट इज नोन एज इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल। इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ और ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पर बहुत सारे ऑफिस, रेलवे स्टेशन और बिल्डिंग्स बनाए अंडर देयर रूल। द बिल्डिंग्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस मुंबई इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर एंड इट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वो बनाया गया है ब्रिटिशर्स के थ्रू और वो इंडो गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। सो वी स्टडीड अबाउट टेम्पल्स, वी स्टडीड अबाउट ब्रिटिशर्स, वी स्टडीड अबाउट इस्लामिक पीरियड, वी स्टडीड अबाउट दी डीटीज एंड आइडल्स, वी स्टडीड अबाउट टू टॉपिक्स टूडे, इंडियन आइकोनोलॉजी एंड आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये दोनों टॉपिक्स को उन्होंने पढ़ा, थोड़ा सा एफिशिएंट बनाने की कोशिश किया मैंने लेक्चर को, बट स्टिल एज आई टोल्ड यू पीपल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। देखो लॉकडाउन था तभी गाड़ियाँ बाहर चलती नहीं थी, इसके वजह से आवाज़ें नहीं आती थी और मैं डिस्टर्ब नहीं होता था। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट एट होम इफ यू आर टीचिंग,
ठीक है, एक तो पहली बात तो स्टूडेंट्स के सामने बात करने की आदत है, अभी कैमरे को देखकर बात करना है तो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू यू नो कोप अप विद सच थिंग्स। अभी भी आदत बना रहा हूँ मैं कि यूट्यूब पे लेक्चर डालने के टाइम पे आई मेक श्योर दैट आई गिव माई बेस्ट। ओके सो वाइंडिंग अप माई लेक्चर ओवर हियर, प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पुट दिस लेक्चर ऑन योर स्टेटस ऑन योर वॉल ऑफ व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे डालो, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को भेजो और इस पर्टिकुलर लेक्चर को स्प्रेड करो। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके सो आई एम वाइंडिंग अप माई लेक्चर ओवर, दिस वॉज बास्ट सर फॉर यू साइनिंग आउट, थैंक यू सो मच।